जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है लुका की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां वचन और उसका 20वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। 18वां वचन, जकर्या ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। 20वां वचन, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया है जो ठीक समय पर पूरी होंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि हमारा संदेश हमारे आनंद को हमसे दूर करता है। अगर हम संदेह करते हैं तो हम उस आनंद को अपने जीवन में पा नहीं सकते जो आनंद परमेश्वर देना चाहता है। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? यहां पर जकर्या और एलीशीबा दो धर्मी पति पत्नी थे जो परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी थे। बूढ़े हो गए थे लेकिन निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके संतान हो। वो संतान चाहते थे और परमेश्वर की सेवा करते थे। जकर्या कौन था? एक याचक था। वो जानता था परमेश्वर को, वो जानता था परमेश्वर की व्यवस्था को, वो जानता था परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की विधि को जानता था। उसके बावजूद भी उसने संदेह किया कि क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होना निश्चित है? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। वो भूल गया कि इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल में संतान दी थी। वो भूल गया कि परमेश्वर ने जो कहा था इब्राहिम से, वो उसके जीवन में घटा। वो भूल गया, इसलिए उसने संदेह किया। दोस्तों, संदेह हमारे आनंद को खो देता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं और हम संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी इच्छा पूरी करेगा, तो आप गलत प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें प्रार्थना करना सिखाती है और बाइबल में परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है कि जब भी प्रार्थना करो तो प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद कहो। क्यों धन्यवाद कहो? क्यों? क्योंकि जिस पल तुम प्रार्थना करते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना पूरी होती है, तब से लेकर अब तक वो पल आप आनंद में बिताए। चाहे आपने आज प्रार्थना की है और आपकी प्रार्थना अगर 5 साल में पूरी होती है, वो 5 साल की अवधि आप आनंद में बिताए, वो 2 साल की अवधि आप आनंद में बिताए। इसलिए यीशु मसीह ने लुका 18 का 1 में कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि विश्वास करो जो तुम मांग रहे हो वो पूरा होगा। परमेश्वर अपने निश्चित समय पर, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के मुताबिक परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। वो तुझे जो तूने मांगा है वो तुझे देगा। आप निश्चित हो जाइए, आप घबराइए मत। जकर्या जो कि याजक था वो घबरा गया। हालेलुया। इसलिए जिब्राइल दूत ने कहा कि तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया है। दोस्तों, हमारा विश्वास ही हमें सुख देता है, हमारा विश्वास ही हमें आनंद के भरपूरी से भर देता है। क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर। हमारा विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर। हमारा विश्वास किस पर है? उसके मुख से निकले हुए वचनों पर। और जो भी वचन यीशु मसीह के मुख से निकलता है वो अपना काम पूरा करके आता है। इसलिए भजन संहिता 91 का 15वां वचन क्या कहता है? जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जब भी मेरा बच्चा जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा, और उत्तर में परमेश्वर की हां होती है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी तरफ अपना कान लगाए हुए है, वो आपकी तरफ अपना मन लगाए हुए है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम उसकी आंखों की पुतली हैं, इसलिए बाइबल कहती है कि हम उसकी संतान है। वो अपनी संतान की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? उसने हमें अपनी संतान क्यों बनाया है? इसलिए निश्चय रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए कि जो आप प्रार्थना में मांगते हैं वो परमेश्वर आपको देगा। कभी भी विचलित मत होइए, कभी भी संदेह मत करिए, क्योंकि आप अपना आनंद खो बैठेंगे। अगर संदेह करेंगे तो आप अपना आनंद खो बैठेंगे। आप अपना आनंद मत खोइए। आज आप मांगिए परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार, आप आज मांगिए धन्यवाद के साथ और अपने आनंद को बरकरार रखिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है और वो मुझे देगा। कब देगा? ये उसकी इच्छा है। कैसे देगा? उसकी इच्छा है, लेकिन वो देगा। मैं आपको निश्चय करता हूं, मैं आपको निश्चय दिलाता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन,
हमें विश्वास का संदर्भ करना है। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी दुख आ जाए, चाहे कैसा भी मोड़ आ जाए, चाहे कोई भी हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा रिश्तेदार हमसे रूठ जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन नहीं टल सकता है। मत्ती 5:18। हालेलुया, हम विश्वास करें जो उसके मुख से निकला है वो पूरा होगा। और परमेश्वर हमें आनंद क्यों देना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर हमें मान देता है, हमें सम्मान देता है। क्या सम्मान देता है? कि हमारे मुख से जो निकलता है वो वचन सुनता है। हमारे मुख से हमारी जो इच्छा निकलती है उसको वो सुनता है और उसे पूरा करता है। आइए दोस्तों, हियाब बांधते हैं, हियाब बांधते हैं और डरते नहीं हैं। हम साहस के साथ उसके सामने खड़े होते हैं और धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर तूने हमें ऐसे हमें बुद्धि दी है, ऐसी आशा दी है, ऐसा परमेश्वर तूने हमारे हमारे मन को परमेश्वर बदला है, हमारे विचारों को तूने परिवर्तित किया है, हमें ऐसी दृढ़ता दी है कि हम जो मांगते हैं तू उसे पूरा करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगता हूं। जो ये मांगे परमेश्वर उनकी इच्छा पूरी कर और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।